देखिए, आज जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग थी। एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा जो आज की काउंसिल में था वो जीएसटी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं उन पर, उस पर डिस्कशन हुआ। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती आ रही है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनको रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। उस पर जीएसटी लगना टैक्स टेररिज्म के बराबर है। और हमें खुशी है इस बात की कि इसमें केंद्र सरकार की भी और सभी राज्य सरकारों की सहमति बनी। और जो मुद्दा दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार बार बार उठा रही थी कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए रिसर्च ग्रांट्स पर, उसका फैसला हुआ है। तो अब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से रिसर्च ग्रांट मिलती है, जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस देश के विकास में जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करती हैं, जो इस देश को विकास की दिशा में लेके जाती हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पॉजिटिव फैसला है। मैम, जो 2000 रुपए की ट्रांजैक्शंस थी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, उससे कम जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पे भी जीएसटी लगने का था, जो कि पेमेंट गेटवे की जो कमाई होती है उस पे लगाना था उन्हें। देखिए, अभी इस पे जीएसटी काउंसिल की सहमति नहीं बनी है, लेकिन इस पे और आगे जाके चर्चा होगी। ये बात हुई है कि इस मुद्दे को आगे चर्चा किया जाएगा कि अभी पेमेंट गेटवे से जो पेमेंट हो रही है उस पर जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन बैंक से जो डायरेक्ट पेमेंट हो रही है उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है। तो इस बात से सब सहमत हैं कि पैरिटी होना जरूरी है और इस पर जीएसटी काउंसिल आगे भी चर्चा करेगा। मैम, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे एग्जेम्पशन की डिमांड थी ऑपोजिशन की, चाहे वो पूरे इंडिया ब्लॉक ने डिमांड करी थी, पार्लियामेंट में बकायदा प्रोटेस्ट करके डिमांड करा गया था, उस पे क्या हुआ? एग्जेम्पशन आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे या नहीं? तो आज जीएसटी काउंसिल में इस पे चर्चा हुई, पूरी ऑपोजिशन की डिमांड थी, ये बिल्कुल सही बात है। और सब ऑपोजिशन स्टेट्स ने इस मुद्दे को रखा कि अभी जो 18% प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पे लगाया जाता है, ये प्रीमियम बहुत ज्यादा है, खासकर के कुछ सेगमेंट्स के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन्स जो पेंशन पे हैं या जिनके पास कोई इनकम नहीं है, खासकर के वो लोग जिनको किसी प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी है, उनके भी हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% प्रीमियम लगाया जाता है। तो ये जीएसटी काउंसिल में सहमति बनी कि एग्जेम्पशन के जीएसटी का रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी इस मुद्दे को एक जीओएम के पास भेजा गया है। एक जीओएम इस पूरे मुद्दे को एग्जामिन करेगी और अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग तक उस प्रस्ताव को लेकर आएगी।